Yeah, hi. Hi, good morning. Morning. Please, have a seat. साउंड ऑफ साइलेंस आप में से किसको बिल्कुल क्लियर आती है? एब्सोल्युटली क्लियर आती है. बहुत बढ़िया. तो अब एटलीस्ट ऑल ऑफ यू नो कि आज हम क्या बात करने वाले हैं. हाँ, सबको पता है. ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है. विश्वास उस पर करना पड़ता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है. ठीक है ना? आपको मुझ पर विश्वास करने की ज़रूरत है. विश्वास इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ, ये विश्वास करने की ज़रूरत है या आप देख रहे हो? है ना? यहाँ कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है. तो बिलीफ में और रियलिटी में हमको फ़र्क समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है. तो ये अब हम सबके लिए एक रियलिटी, इट इज़ नॉट अ बिलीफ. अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं. जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो. एक है बिलीफ. बिलीफ क्या कहता है? हमारा जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक, भगवान से रिलेटेड क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके? क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है? तू कृष्ण का भक्त है? अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है. मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में. उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है. भगवान को भी मार्क्स दे दिए, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए. बट ये बच्चों जैसी सोच है. अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है. भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी. होनी होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा. सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया कहाँ जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है. इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है. धनवान सबने सुना है ना, उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक. ऐसी बोलते हैं गुणवान, है ना? ये बड़ा गुणवान है भाई. गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो. भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो. तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ. वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं. द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट. मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ उसका मालिक वो है भगवान. अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया. भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा. तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा. तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितनी भी लहरें हैं इस दुनिया में, जितने भी बुलबुले हैं, बड़ी से बड़ी टाइड्स हैं, उन सब का भगवान कौन है? पानी. और कौन है बताओ? समझ आ गया ना? पूरा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का भी भगवान कौन है? पानी. समुद्र में से पानी को निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की? लहर में से पानी को निकाल दो, कहां है लहर, कहां है बुलबुला? तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है, चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे किसी भी दुनिया में है. जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना. तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा. एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं. भगवान कहाँ है इसका मतलब? जैसे पानी लहर से कितना दूर है?
लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहाँ? लहर कहाँ है? लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है, एक्चुअल में क्या है? दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए ना? तो जो बोलने के लिए है वो सब झूठ है, जो एक्चुअल में है वो सच है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में सिर्फ पानी है, एक्चुअल में सिर्फ एक ही है। तो अब अगर कोई भी बाहर से आकर के आपको बोले, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज को, इंडियंस भी नहीं समझ पाए, तो बाहर वाले क्या समझेंगे? वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं, तुम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो। तो क्या बोलना है उस वक्त उनको? हम अलग अलग फॉर्म्स में एक ही भगवान की पूजा करते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। जब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है, तो कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी फॉर्म में कर लो। ये समझ करके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना समझे करो तो क्या है? बेवकूफी। देन इट इज शीयर फूलिशनेस। समझ आ रहा है या बहुत भारी हो रहा है? या आ रहा है? कुछ कुछ अंदर घुस रहा है ना? ठीक है, कहीं भी ज्यादा हैवी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वहीं पे बीच में रुक करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये नोशंस क्लियर करने बहुत जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि रियलिटी है क्या, भगवान है क्या, जो इस पूरी क्रिएशन का कॉज है वो भगवान है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जो भी कुछ बना है उसका भी सोर्स है, और जो कुछ बना रहा है उसका भी सोर्स है। so, जैसे भगवद गीता में कहते हैं आत्मा से, आत्मा में खुश है, मतलब हम भगवान से ही हैं, भगवान में ही हैं। right. हम भगवान में ही हैं, हम भगवान से ही हैं। समझ आ रहा है ना? और फिर धीरे धीरे समझना है कि हम भगवान ही हैं, लेकिन इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं समझना है, अपने अंदर अहंकार नहीं पैदा करना है कि हम भगवान ही हैं। समझ गए? इससे भी बेटर वे क्या होगा बोलने का? सिर्फ भगवान ही है, बाकी सब सिर्फ नाम के लिए है, फॉर्म्स हैं, नेम्स हैं। समझ गए ना? लहरे और बुलबुले क्या हैं? फॉर्म्स ही तो हैं अलग अलग, नाम ही तो हैं अलग अलग, एक्चुअल में क्या है? सिर्फ पानी है, जिसको साइंस भी डिनाई नहीं कर सकती। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी इज साइंस। रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीफ। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इंक्वायरी। यू नीड अ साइंटिफिक माइंड टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तब आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में सच क्या है इस दुनिया का। कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ में जी रहे हो, सच कुछ और ही है। साइंटिफिकली एक बात बताऊंगा आपको, तीन ऐसे लॉज हैं जिसको, जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइंस बेस्ड है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीव्स। स्वर्ग है, नरक है, ये क्या है? बिलीफ है। आप उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में जो भी कुछ है, वेदों में जो भी कुछ है, उसको एक एक बात को आप प्रूव कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में हो सकता है के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ जो है उसकी बात करी जाती है, और वो है सिर्फ एक या दो लोगों के लिए नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो जो सबके लिए है, जिसको हिंदू भी वेरीफाई कर सके, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सब वेरीफाई कर सके। तो साइंटिफिकली मैं तीन लॉज को बताता हूं, अगर ये तीन लॉज आपको बारीकी से समझ आ गए तो आपकी इंक्वायरी पक्की हो सकती है। उसमें फिर ना थ्योरीज के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, बिलीव के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, आप बिल्कुल क्लियर होते चले जाओगे। और माइंड में आप जितना क्लियर हो जाते हो ना इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, उतनी आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है, लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। तीन लॉज हैं साइंस के। नंबर वन ये है कि जहां पर भी कोई इफेक्ट होगा तो वहां पर कॉज होगा। देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट अ कॉज। तो अगर ये क्रिएशन है, यानी कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो इसका कोई ना कोई कॉज भी होगा। ठीक है ना? इसको डिनाई नहीं किया जा सकता।
और हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं देख रहे, हम ये भी जानते हैं कि हमारे बीच में स्पेस है, ये भी हम जानते हैं। तो स्पेस का भी कोई ना कोई कॉज होगा। हम कॉन्शियस हैं, मैं हूं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो मैं हूं का भी कोई ना कोई कॉज होगा। इस दुनिया में कुछ भी वहां से नहीं आ सकता जहां पर कुछ नहीं है। इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि अगर बर्फ है तो पानी होगा, अगर पानी है तो हवा होगी, अगर हवा है तो आकाश होगा। समझ गए ना, लेयर्स वाइज ऊपर बढ़ रहे हो। आकाश है तो आकाश का भी कोई ना कोई सोर्स होगा। इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज। यहां से आपकी स्पिरिचुअल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। दो चीजें हैं ना, एक ही दुनिया है, दुनिया में आपकी बॉडी भी आ गई, एक आप हो जो इस दुनिया को जानते हो, इन दोनों का ही कॉज होगा। और ये भी हो सकता है जब आपकी इंक्वायरी खत्म होगी तो आपको समझ आए कि इन दोनों का कॉज एक ही है। जो दिख रहा है और जो देख रहा है, दोनों का जो कॉज है वो एक ही है। सोर्स, दोनों में फर्क समझ लो। भगवान के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहां हूं, भगवान कहीं दूर आसमान में है। ये क्या है? बिलीफ है। जबकि भगवान एक्चुअल में क्या है, अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को थोड़ा सा भी स्टडी करोगे आपको समझ आ जाएगा, वो आपके दिल का भी दिल है, आपके इतना पास है, वो आपका सोर्स है। तो भगवान को बजाय एक बिलीफ के वे में देखने में, जिस दिन आपने उसको अपने सोर्स के वे में देखना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अब आप भगवान से प्यार कर सकते हो। समझ गए ना, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, उससे आप प्यार कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। मैं आपको कहता हूं, एक ऐसे इंसान से प्यार करो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जिसकी इमेज तक आपके माइंड में नहीं है, करो प्यार। ये इंसान आपके सामने है, इसको करो प्यार, पॉसिबल है। ठीक है ना, यहां से एक मेजर चेंज आता है कि मतलब मेरा जो भगवान है, हमारा जो भगवान है, वो हमसे दूर नहीं बैठा हुआ, हमारे अंदर ही है। इनफैक्ट अगर वो भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो गहने को अहंकार हुआ पड़ा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं और गहनों से ज्यादा सुंदर हूं, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मरा पड़ा है कि मैं इतना छोटा सा गहना हूँ, वो इतने बड़े बड़े गहने हैं, वो इतना महंगा है, मैं इतना सस्ता हूँ, मैं गया गुजरा हूँ, दोनों का सोर्स क्या है? हर गहने का सोर्स क्या है? गोल्ड। गहने को किसी इंसान ने बनाया है, तो अगर इसको एक स्टेप और अगर हम अंदर ले जाएं, तो उस इंसान को किसने बनाया है? जो उस इंसान का सोर्स है, उसकी बॉडी का सोर्स है, वही उस गहने का सोर्स है, साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है ना, एक लेवल तक तो साइंस भी पहुंच ही गई है ना, जिसको एटम्स बोलते हैं, वही एटम्स उस गहनों का भी सोर्स है, उस गहने को बनाने वाले का भी सोर्स है। सिंपल है ना। तो उन एटम्स का सोर्स क्या है, यहां पर स्पिरिचुअलिटी बीच में आ जाती है। साइंस वहां पर जाकर के अटक जाती है। साइंस क्या कहती है, ये एटम्स कहां से आए? वो कहते हैं वॉइड में से आए। तो साइंस खुद ही अपने लॉ को डिनाई कर रही है, जबकि वो कर नहीं सकती टेक्निकली, और साइंस वहां पर जाकर के अटक गई। साइंस ये कहती है, समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, दिस इज अ साइंटिफिक लॉ। तुमसे पूछो एटम कहां से आए, वो कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। तुमसे पूछो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां से आए, फिर वो कहते हैं वॉइड में से आए। वॉइड मतलब क्या? नथिंगनेस। मतलब साइंस उस नथिंगनेस में देख नहीं पा रही है क्या है, इस वजह से अपने ही लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। समझ आ पा रहा है ना, क्योंकि साइंस के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, ये देखने का कोई जरिया नहीं है। जहां पर कुछ है साइंस देख सकती है। आज जिसको छोटा समझ रही है, कल उसी को बड़ा बोल देगी। पहले मॉलिक्यूल्स को छोटा बोला जाता था, अब उसको बड़ा बोलते हैं, फिर बोला एटम सबसे छोटा है, अब बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। समझ आ रहा है ना। तो साइंस अपने लॉ को एक पॉइंट में जाकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्वांटम फिजिक्स बीच में आ गई। वो क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ है तो कुछ होना चाहिए। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, जीरो पॉइंट फील्ड। मतलब कि एक ऐसी फील्ड है, फील्ड का मतलब हम समझते हैं ना,
जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। बिना उस फील्ड के कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, उस फील्ड का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो wherever there is an effect, there has to be a cause. There cannot be an effect without a cause. फिर चाहे साइंस उसके बारे में जानती है नहीं जानती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉज तो है। उस कॉज को आप कुछ भी बोलते रहो, सोर्स तो है। कुछ भी दिख रहा है तो उसका सोर्स तो है, कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं में से दिख रहा है, कुछ तो है। वो कुछ क्या है उसको स्टडी करना है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। दूसरा, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसको ध्यान से सुनना। इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ अपीयरिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं है, वो कॉज ही है जो अलग दिख रहा है, एक्चुअल में अलग है नहीं। समझ गए ना? बर्फ पानी ही है लेकिन पानी से अलग दिख रही है। छूने में भी वो पानी से अलग है, दिखने में भी पानी से अलग है, उसको टच करेंगे तो ठंडक में भी वो पानी से अलग है, टेम्परेचर में भी। समझ आ रहा है ना? आवाज में भी वो पानी से अलग है। बर्फ से बर्फ टकराएगी तो अलग आवाज होगी, पानी से पानी टकराएगा तो अलग आवाज होगी। तो हर तरह की परसेप्शन में बर्फ पानी से अलग है लेकिन बर्फ पानी ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू टेक द कॉज आउट ऑफ द इफेक्ट, नथिंग रिमेन्स, ओनली द कॉज रिमेन्स। समझ आ गया? बर्फ में से अगर आपने पानी को निकाल दिया तो बर्फ कहाँ है? नहीं है। क्या बचेगा? नथिंग बचेगा। क्या बर्फ नथिंग बन गई? क्या बन गई बर्फ? पानी बन गई। अच्छा, पानी को हमने उबाला और थोड़ी देर बाद हमने देखा जिस कंटेनर में वो पानी पड़ा हुआ था उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या पानी कुछ नहीं बन गया? पानी गायब हो गया? क्या बन गया पानी? हवा बन गया। समझ आ गया ना? पानी मरा नहीं है, पानी की सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। जब आप बर्फ से पानी तक पहुंचे और पानी से हवा तक पहुंचे तो मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर कर रहे हैं कि वो हवा का क्या होता है। जब पानी उबल जाता है तो क्या होता है? फिर कुछ देर बाद उस इंस्ट्रूमेंट में, साइंटिफिकली बड़ा तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी वो दिख रहा है, पूरा मूवमेंट दिख रहा है कि वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। कुछ देर बाद उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या वो कुछ नहीं बन गया? ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। समझ गए ना? तो साइंस क्या करेगी? आगे खोदती चली जाएगी इसके आगे और क्या हुआ, फिर इसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जाकर के साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखना बंद हो जाएगा, तो साइंस क्या कहेगी? ये सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो उससे बेटर होगा और साइंस क्या कहेगी? हाँ नहीं नहीं नहीं, इससे छोटा भी कुछ हो सकता है। इट इज एंडलेस, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट करती रहेगी। और मान लो किसी दिन थियोरेटिकली पहुंच गई है, मान लो प्रैक्टिकली भी इस जीरो पॉइंट फील्ड तक पहुंच गई, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गई, ओम तक पहुंच गई, सुप्रीम रियलिटी है वहां तक पहुंच गई, तो अब साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाएंगे कि हम इसको कैसे यूज करें कुछ करने के लिए, इससे हम कैसे और बेटर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। साइंस ही सोचेगी। तो साइंस कहां पर जाकर के अटकेगी? जो आप उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जहां तक साइंस कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो डिविजन बना ही रहेगा जब तक आदमी से इंक्वायरी को नहीं करेगा कि मैं कौन हूं, तब तक वो ये कहेगा मैं हूं जानने वाला, ये है जिसको मैं जान रहा हूं। और बार बार हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं? तत्त्वमसि, यू आर दैट। तीन एंगल से आप पहुंच सकते हो, तीनों जगह से वहीं पे पहुंचोगे, चाहे आप खुद के सच को जानो, चाहे इस क्रिएशन के सच को जानो, चाहे भगवान के सच को जानो, एंड में एक ही जगह पहुंचोगे। समझ गए ना? कोई आदमी कहता है मेरे को इस समुद्र का सच जानना है, इस इनफाइनाइट समुद्र का, तो कहां पहुंचेगा? पानी पे।
कोई कहता है मुझे लहर का सच जानना है, मैं लहर हूं, मुझे अपने सच को जानना है, वो कहां जाकर के मिलेगा, उसका एंड कहां होगा? पानी। ये जो मटेरियल है जिससे लहरें बनी है, ये बुलबुले बने हैं, इसको मेरे को जानना है कि इसका मटेरियल कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है। पानी पे पहुंचे, हर तरफ से आप पानी पे ही पहुंचे। तो सच जानने से क्या होता है, हमारे अंदर की उथल पुथल खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं, आदमी स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये काम एक दो दिन में नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लेना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यू कैन ऑल्सो बी द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछोगे कब तक के लिए, हमेशा के लिए, उसमें बुराई क्या है, उसमें बुराई क्या है? जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज का स्टूडेंट है ना, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, सब इस क्रिएशन में जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं, इस क्रिएशन का जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं और देख रहा हूं और देखता ही चला जा रहा हूं।